वीरू भाई, यू नो आई नो मुंबई हार गई ये मुकाबला, दिल्ली ने वो हुडू कहीं ना कहीं तोड़ा है, बट जो क्रिकेट मतलब देख रहा है, जो इस लीग को देख रहा है, यू नो फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट जो देख रहा है, वो कहेंगे यार मुंबई की गेंदबाजी भाई साहब। और जैसे अजय भाई ने बोला, आज ब्रह्मास्त्र चला नहीं है वीरू भाई, आज ब्रह्मास्त्र का आप कह सकते हैं ऑफ डे रहा है, लेकिन ऑफ डे वाले दिन में 138 का टारगेट आपने 20वें ओवर तक लेके चले गए। नहीं बिल्कुल, नो डाउट। जो भी मतलब सबको मालूम है कि मुंबई की गेंदबाजी अच्छी है, बढ़िया है, तभी तो उनको हराना मुश्किल है। अगर आसान होता, उनकी गेंदबाजी उतनी आसान होती तो शायद हर कोई उन्हें हरा भी सकता था। तो वो नो डाउट कि उनकी जो जोड़ी बनी है बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की, बीच में राहुल चहर और करुणाल पांडे डालते हैं, अभी भी वो जो पांचवा बॉलर है वो देख रहे हैं कि वो किसको खिलाएं, क्या वो मिलने हो या वो कुल्टन नायर हो या वो कोई और गेंदबाज हो, अभी उन्हें वो पांचवा गेंदबाज भी मिला नहीं है। तो जब वो सेटल हो जाएगा तो फिर शायद और बेहतर टीम हो जाएगी मुंबई की टीम। मतलब फिर जो आज शायद गलतियां हुई हैं, वो एक दो नोबलें हुई हैं हमारे ब्रह्मास्त्र से, वो भी नहीं होती तो भी शायद मैच थोड़ा तो फंसता, क्योंकि नो बॉल पे अगर सिंगल मिला, दो रन हो गए, फ्री हिट पे एक रन मिला, एक बॉल पे तीन रन चले गए, तो वो नुकसान हो जाता है। वो एक बॉल पे एक रन जाता तो वो दो रन लास्ट में काम आते ना। तो कुल मिलाकर मुंबई की बॉलिंग अच्छी है, तभी हम लोग बात करते हैं कि पिछला मुकाबला किसी ने सोचा नहीं था कि इतने आराम से जीत जाएंगे या 31 रन 27 गेंदों पर डिफेंड कर लेंगे। तो दमखम है मुंबई की बॉलिंग में, तो अभी भी पांचवा बॉलर शायद वो ढूंढ रहे हैं कि पांचवा बॉलर कौन आएगा। पर समवेयर यू वुड से अजय भाई कि जयंत यादव ने अपना हैट डाल दिया इन द रिंग, क्योंकि आज पहला मुकाबला खेल रहे थे, बड़ी लुक वेरी सेटल्ड, ऐसा नहीं था कि पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस सीजन, आए आराम से अपना चार ओवर करके चले गए। बिल्कुल आज बिल्कुल सेटल लगे, और आई थिंक मुंबई इंडियंस की ये खासियत है, आपको जिस तरह से साथ चलते हैं, पिछले साल तो इन्होंने सीधा नॉकआउट में वो निकाला था उनको, तो यू नो बगैर खेले, तो जब तक आप एज अ टीम कंफर्टेबल नहीं है किसी प्लेयर से कि भाई जैसे ही आएगा वो फिट हो जाएगा, आई थिंक उस तरह से यू नो कम्युनिकेशन बोलिए या उधर का माहौल आ गए वापस, माहौल वो माहौल इतना बढ़िया है कि जो आता है आदमी उसको शायद कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मेरे को फिट नहीं होना। और ये अनुभवी खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है 10-12 साल तो नहीं, 6-7-8 साल से तो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं रेगुलर, उस वहां पे गेंदबाजी करते हैं जहां पे स्पिन को कोई मदद नहीं मिलती, फिर टेस्ट मैच जब खेले अश्विन नहीं थे तो वहां पे भी उन्होंने अच्छा किया हुआ है, तो इनकी क्वालिटी और इनके टेम्परमेंट की कभी कोई डाउट था ही नहीं। बट आज जैसे आपने कहा आसान नहीं होता ना आते ही खेलना, उन्होंने वो बिल्कुल अच्छा करके दिखाया, और हैट मतलब लटकी हुई थी, हैट लेके सर पर डाल दिया कि आप मुझे चेन्नई में तो मुझे खिलाना ही पड़ेगा। हां चेन्नई में तो आप इनको खिलाओगे, व्हाई नॉट भाई, अब कैसे नहीं खिलाओगे। मेरे को तो लग रहा है देखिए, अब जब आपने खिलाया ना दूसरा स्पिनर, तब आपको कुणाल यू नो ग्रेट क्रिकेटर टीम में आप है, आई थिंक इंटेलिजेंट बॉलर मैं कहता हूं उनको, मैं स्पिनर में नहीं डालता जैसे वो कह रहे थे ना कोई दूसरा, हर एक के अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे जेन्युइन स्पिन हो रही है ना, वहां पे एक ओवर वो तो है जहां पे उन्होंने मैच बदला था, लेकिन वो भी इंटेलिजेंस से बदला था कि स्किल नहीं थी कोई ऐसी, तो या तो फिर वो भी घुमाने की कोशिश करें क्योंकि वो घूम रही है यहाँ सबकी घूम रही है, तो स्पिन में शॉर्ट हो जाते हैं ना, ब्रह्मास्त्र हो गए बोल्ट हो गए दो तो खेलते ही है फास्ट बॉलर आपके, तो अगर आप तीन स्पिनर खिला रहे हैं और उस तीन में से एक आधा स्पिनर, तो वही वाली बात हो गई ना कि सीमिंग विकेट पे आप आधा सीमर खिला रहे हैं,